नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेनन को 30 जुलाई को हो सकती है फांसी। 1993 मुंबई बम धमाकों में दोषी याकूब मेनन को 30 जुलाई को सुबह 7 बजे फांसी दी जा सकती है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को मेनन की रिव्यू याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने टाडा कोर्ट की अनुमति लेकर उसे फांसी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मेनन ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और रिव्यू याचिका दायर की थी, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका पिछले साल ही खारिज कर दी थी। वही गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार याकूब को फांसी देने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया है और इसे नागपुर जेल के सुपरिटेंडेंट को भी भेज दिया गया है। फांसी देने की पूरी प्रक्रिया जेल में ही होगी। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 के इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। केजरीवाल का कमाल, आपके चंदे में इजाफा। पिछले कुछ महीनों में गिरावट के बाद आम आदमी पार्टी के चंदे में उस समय अचानक से बढ़ोतरी हो गई, जब अरविंद केजरीवाल ने जनता से भावनात्मक अनुरोध किया। मंगलवार को करीब 540 दानदाताओं ने 6.5 लाख रुपए से अधिक का चंदा पार्टी को दिया। केजरीवाल की सार्वजनिक अपील का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है और आप द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार करीब 2 महीने बाद चंदा 1 लाख रुपए के आंकड़े के पार हुआ है। पार्टी के एक अधिकारी ने कहा कि अपील के बाद शाम तक 537 दानदाताओं ने 6,75,783 रुपए का दान दिया। सोमवार तक इस महीने का सर्वाधिक चंदे का आंकड़ा 28,702 रुपए था, जो 1 जुलाई को दर्ज किया गया था। महीने में सबसे कम चंदा 11 जुलाई को दर्ज हुआ, जो 709 रुपए था। प्लूटो पर पहुंचा नासा का अंतरिक्षयान। नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्षयान ने प्लूटो पर पहुंचकर 300 करोड़ दूर सांस थामकर बैठे वैज्ञानिकों को अपनी सफलता का संदेश दिया। पहली बार इंसान इस बोने ग्रह के इतने करीब पहुंच सका। पूरे दिन उत्साह के साथ तनाव में जीने वाले न्यू होराइजन की टीम ने मिशन के सफल होने की पुष्टि के बाद इस अभूतपूर्व सफलता का जश्न मनाया। शुरुआती संकेत उत्साहजनक थे और मिशन के संचालक केंद्र मेरीलैंड में कल सुबह से ही उत्साहपूर्वक जीत का माहौल था, लेकिन जब तक न्यू होराइजन ने पृथ्वी पर संदेश नहीं भेजा तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अंतरिक्षयान छोटे और बर्फ से ढके ग्रह पर पहुंच गया है। पिछली आधी सदी से ग्रहों पर पहुंचने के लिहाज से यह नासा का अंतिम लक्ष्य था।